चार्टर्ड अकाउंटेंट, आज एक ऐसे विषय पे बात करने वाला हूँ जो लोगों को बहुत नॉर्मल लगता है। टीडीएस नहीं पे करने के कारण क्या आप जेल जा सकते हो? आखिरी तक वीडियो देखना, पूरा समझ में आने वाला है। और ये गलती करना नहीं जो मैं बताने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनना। एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है मुंबई की, जिनके दो डायरेक्टर थे हस्बैंड वाइफ, दोनों के दोनों को जेल जाना पड़ा 3 महीने के लिए। किस लिए आपको मालूम है? टीडीएस जो डिडक्शन किए वो वाला अमाउंट उन्होंने गवर्नमेंट को पेमेंट नहीं किया। ये कुछ खास बड़ा चीज लगता नहीं अपने को, क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या किया ना, मैं आपको केस पहले बता देता हूं। उन्होंने 43.4 लाख रुपीज का टीडीएस डिडक्शन कर लिया, और डिडक्शन करने के बाद उन्होंने उस समय जमा नहीं किया, और एक साल बाद पूरे ब्याज और पेनल्टी के साथ अमाउंट को गवर्नमेंट को जमा कर दिया। बट इस पीरियड के अंदर में उनके पास 2-4 बार इंटीमेशन आ गया हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कि आपका ये पैसा बकाया है, इस पे इतना ब्याज बकाया है और उसका पेमेंट कर दीजिए। तो उन्होंने क्या किया कि इतने सारे इंटीमेशन आने के बाद में उन्होंने पेमेंट किया। कुल मिलाकर पेमेंट में 12 महीने का डिले हुआ। इनसे पूछा गया कि क्यों ना आपके ऊपर ऐसी कार्रवाई की जाए जिससे आपका ये जो डिले है उसका सजा मिले आपको। तो इन्होंने वहां पर यह बताया कि फाइनेंशियल क्रंच था कंपनी में और उसके कारण मैं पेमेंट नहीं कर पाया, लेकिन हमने आपने जितना कहा था उतना ब्याज के साथ पेनल्टी के साथ पेमेंट कर दिया, तो फिर हमको कोई सजा मिलना नहीं चाहिए। सही है, हम भी यही करते हैं। आज भी हम क्या करते हैं, टीडीएस भर दो, उस पर ब्याज सरकार कैलकुलेट करेगा, आपको ला कर देगा, हम पेमेंट कर रहे हैं। अभी ब्याज वाला चीज ऐसा चल रहा है, कई सारे लोग तो साल भर का टीडीएस ही नहीं डिडक्शन करते हैं, और साल के आखिरी में जब प्लानिंग करने का मौका आता है बोलते हैं साल भर का पूरा अमाउंट आज दिखाते हैं, आज ही टीडीएस डिडक्शन करते हैं और आज हम पेमेंट करते हैं। ऐसा करना सबसे रिस्की काम है। मैं आपको बता दूं, इस केस में ये दोनों डायरेक्टर को 3 महीने जेल जाना पड़ा, और कोर्ट का क्या कहना था आप ध्यान से सुनना। सबसे पहला, आप जो टीडीएस का डिडक्शन करते हो वो आप अपने 100% पेमेंट जो आपको करना था उसमें से आप डिडक्शन करते हो, वो पैसा आपका नहीं है, वो सरकार का पैसा है, जिसको जिसके लिए सरकार ने आपको अथॉरिटी दिया है कि आप वो पैसा डिडक्ट करो और सरकार को पेमेंट करो। तो इस जगह पर आप गवर्नमेंट के एजेंट थे, लेकिन आपने क्या किया, गवर्नमेंट के तरफ से पैसा वसूल कर लिया और वो पैसे को आपने एंजॉय किया अपने बिजनेस के लिए, बस वो आपका पैसा नहीं था। इसी कारण सबसे पहला कारण कोर्ट ने बोला कि आपका पैसा नहीं था, आपको अधिकार नहीं था उसको रखने का। दूसरा, आपने डिले किया। तीसरा, आपने पेमेंट जो किया उसके बीच में पूरा टाइम लैग गया, 12 महीने गए, आपको बार बार तगादा करना पड़ा, गवर्नमेंट की तरफ से नोटिस भेजना पड़ा। तो ये तीनों कारणों को मिलाकर ये अनटॉलरेबल माना गया कोर्ट के द्वारा, और जेल जाना पड़ा डायरेक्टर्स को। आप ये सोच कर देखो कि हस्बैंड वाइफ अगर दोनों साथ में काम करके ऐसा डिसीजन लेते रहेंगे तब तो ठीक है, लेकिन मैक्सिमम केस में आप भी जानते हो कि वाइफ का नाम हस्बैंड अपने तरफ से डाल देता है कंपनी बनाने के लिए, बिना मतलब उस महिला को अगर जेल जाना पड़ा जिसने कभी ऑफिस का रास्ता भी शायद प्रॉपरली नहीं देखा होगा, शायद टिफिन पहुंचाने गई होगी, या फिर कभी कभार उनको बैठा के फोटो खिंचा दिए होंगे। तो ऐसा होना नहीं चाहिए था, बहुत अन्याय हुआ उस लेडी के साथ में अगर उसने पार्टिसिपेशन नहीं किया था। लेकिन आप लोग आज अवेयर हो जाओ, सबसे पहले फैमिली वाले किसी को डायरेक्टर में डालते हो 10 बार सोच लो, गड़बड़ हुआ तो वो भी अंदर जा सकते हैं। दूसरी चीज, टीडीएस और गवर्नमेंट का कोई भी कंप्लायंसेस है आपको बहुत अच्छे से करना कंपलसरी है, इस चीज को आप स्किप कर ही नहीं सकते। आप हर जगह पे अपना चेक पॉइंट बनाइए, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बनाइए और आगे बढ़िए। टीडीएस के साथ में आपका जीएसटी और बाकी सारे लॉज में भी आपके कंटिन्यूअसली प्रॉब्लम क्रिएट होने लगेंगे अगर हम लोग डिले करते हैं या फिर फाइल नहीं करते हैं या फिर अमाउंट जमा नहीं करते हैं। तो दोस्तों, मेरी आपसे अपील है और रिक्वेस्ट है, आप सारे कंप्लायंसेस को करिए। कोई भी प्रॉब्लम है, दीपंकर समझदार बैठा हुआ है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और मैं बिल्कुल 100% आपका हेल्प करने वाला हूं। हमारा मिशन है सारे लोगों का टैक्स और जो भी प्रॉब्लम्स बिजनेस के लिए आती है उसके लिए आपका हेल्प करें, समय पर जानकारी दें, और आप हमेशा अपडेटेड रहिए और फॉलो करिए। गवर्नमेंट आपके खिलाफ नहीं है, आपके लिए है। बहुत बहुत धन्यवाद।